आप देख रहे हैं SPN9 News। SPN9 News में आपका स्वागत है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की पुत्र वधु यानी कि बेटे की बहू अर्पणा यादव कांग्रेस से भाजपा में शामिल। विधायक अदिति सिंह और कांग्रेस की पोस्टर गर्ल रही प्रियंका मौर्य महिलाओं के बीच भाजपा का चेहरा होगी। अपर्णा, अदिति और प्रियंका ने रविवार से भाजपा के प्रचार अभियान की शुरुआत भी कर दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और प्रदेश महामंत्री गोविंद शुक्ला की मौजूदगी भाजपा मुख्यालय में हुए कार्यक्रम में अपर्णा ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनेगी तो देश और प्रदेश की तरक्की के साथ बहू बेटियां सुरक्षित रहेंगी। उन्होंने दोहराया कि उनके लिए परिवार से पहले राष्ट्रवाद है, इसलिए वे भाजपा से जुड़ी हैं। अदिति सिंह ने कहा कि योगी मोदी सरकार की योजनाओं से महिलाओं का सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण मिला है। PM आवास योजना, सौभाग्य योजना, उज्ज्वल योजना, शौचालय निर्माण सहित अन्य योजनाओं का सबसे अधिक लाभ महिलाओं को ही मिला है। प्रियंका मौर्य ने कहा कि भाजपा में महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है। भाजपा किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, बल्कि सभी वर्गों, धर्मों के लोगों से मिलकर बनी है। इसके बाद तीनों महिला नेताओं ने लाल बाग में डोर टू डोर प्रचार शुरू किया। पार्टी सूत्रों का कहना है कि विपक्षी दलों से आई महिलाओं का चेहरा बनाकर भाजपा विपक्षी दलों को घेरने का प्रयास कर रही है। वहीं आंधी आबादी को संदेश देने की कोशिश कर रही है कि भाजपा ही महिलाओं के हितैषी हैं। कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय सह मीडिया प्रभारी संजय मयूख, महिला मोर्चा की ममता पांडे, मनीष दीक्षित और हिमांशु दुबे भी मौजूद थे। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिएगा SPN9 News के साथ। धन्यवाद।